हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। आज है 2 अगस्त और लेकर हाजिर हैं आपके सामने हम आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नंबर 1, मुंबई पुलिस का बयान, गलती से डिलीट हुई सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की फाइल। जी हां, शनिवार शाम बिहार पुलिस की टीम मालवाड़ी पुलिस थाने में दिशा सालियान की मौत के बारे में पूछताछ करने गई और वहीं मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी ने भी सभी डिटेल शेयर करने की बात कही थी, लेकिन उसी समय कॉल मिलने के बाद चीजें बदल गई। उन्होंने बिहार से आई टीम को बताया कि दिशा की डिटेल्स वाले फोल्डर को अनजाने में डिलीट कर दिया गया है और इसे ढूंढ नहीं सकते। हालांकि जब बिहार पुलिस ने कहा कि वो फाइल को दोबारा प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना लैपटॉप देने से इनकार कर दिया। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत के केस से संबंधित पटना में दर्ज FIR पर जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिलने के आरोप के बीच रविवार को बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया। जांच में तेजी लाने के लिए पटना से रविवार को भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया। बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने रविवार को बताया कि पटना नगर पुलिस अध्यक्ष विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक अधिकारी को भेजा गया है और आगे अगर फिर जरूरत पड़ी तो बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा जा सकता है। नंबर 3, दिशा के फोल्डर डिलीट होने के सवाल पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है, कुछ संदेहास्पद है, कुछ मिस्ट्री है, इसलिए बिहार और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसका कुछ संतोषजनक समाधान निकाले। संतोषजनक समाधान का मतलब है कि निष्पक्ष अनुसंधान, निष्पक्ष जांच। अगर इस केस में कुछ गड़बड़ हुई तो कोई कुछ बचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता इसे देख रही है। बिहार और मुंबई पुलिस को मिलजुल कर सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पुलिस सहयोग करेगी तो हम इसे अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। नंबर 4, हाल ही में एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में जब अंकिता लोखंडे से कंगना रनौत के बारे में सवाल किया गया तो बिना जवाब दिए ही वो बीच में इंटरव्यू छोड़कर चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत की तारीफ करते हुए कह रही हैं, मैं चाहती हूं कि हर कोई उसे एक अच्छे इंसान की तरह याद करे। लोगों ने उसे बदनाम करने की बहुत कोशिश की है, इसलिए मैं हमेशा उससे जुड़ी अच्छी यादों के बारे में ही बात करती हूं। हालांकि इस दौरान एंकर ने जब अंकिता से सवाल किया कि क्या आप कंगना रनौत की फिल्म में काम कर चुकी हैं और कंगना ने अपने कई इंटरव्यूज में आपका नाम लेकर इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड में हो रहे भेदभाव के चलते सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान रहने लगे थे, आपने कंगना रनौत को सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या बताया था, तो इस पर पहले अंकिता ने इस सवाल को अनसुना कर दिया। उसके बाद वो बिना कुछ बोले ही इंटरव्यू छोड़कर चली गई। नंबर 5, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस ने रूमी जाफरी से 4 घंटे तक की कड़ी पूछताछ। जी हां, सुशांत मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए बिहार पुलिस तेजी से इस केस से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है। बीते दिन बिहार पुलिस ने बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रूमी जाफरी से पूछताछ की है। इस दौरान बिहार पुलिस को इस केस से जुड़े कई नए तथ्य मिले हैं। सोर्सेज की माने तो रूमी जाफरी से बिहार पुलिस ने लगभग 4 घंटे तक बात की। दावा किया जा रहा है कि रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे। ऐसे में रूमी जाफरी सुशांत के आखिरी दिनों में उनके काफी करीब थे। नंबर 6, बिहार DGP की अपील, सामने आए रिया चक्रवर्ती, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। जी हां, मुंबई पुलिस के बाद जब से सुशांत के केस की छानबीन बिहार पुलिस ने करनी शुरू की है तब से रिया चक्रवर्ती परेशान हैं। ऐसे में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिया 3-4 दिनों से लापता हैं और उनका फोन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं हो पा रही है। इस बारे में उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती सामने आए और तहकीकात में हमारा साथ दे। हम उनसे सिर्फ कुछ सवाल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रिया के सामने आते ही हम उन्हें सजा दे देंगे या सूली पर लटका देंगे। हम बस उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। इमोशनल वीडियो डालने से कुछ नहीं होता। आप अगर सच्चे हैं तो पुलिस से आकर बात करें और सच जानने में उनका साथ दें। नंबर 7, कंगना रनौत के घर के बाहर देर रात हुई गोलीबारी, बुलानी पड़ी पुलिस। जी हाँ, कंगना की टीम ने बताया है कि फायरिंग की आवाज के बाद कुल्लू पुलिस कंगना के घर पहुंच गई है। हालांकि प्राथमिक जांच में पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। दरअसल कंगना का कहना है कि ये उन्हें डराने की कोशिश के तहत किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम कंगना के घर पर सिक्योरिटी के लिए लगा दी है।
कंगना ने इस मामले में बात करते हुए कहा, मैं अपने बेडरूम में थी और रात लगभग 11:30 बजे मुझे पटाखों जैसी आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि किसी ने पटाखा चलाया है, लेकिन जब दूसरी बार आवाज़ आई तो मैं सचेत हो गई क्योंकि ये गोली चलने की आवाज़ थी। नंबर 8, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार कोरोना वॉरियर्स की हर संभव मदद कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की भी अक्षय कुमार हमेशा मदद करते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने मुंबई पुलिस की मदद की। हाल ही में अक्षय ने मुंबई पुलिस को एक बेहद खास तोहफा दिया है। उन्होंने पुलिस को तोहफे के तौर पर एक फिटनेस हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस दी है। इस डिवाइस के जरिए COVID-19 के सिम्टम्स का जल्द पता किया जा सकता है और मुंबई पुलिस को तोहफा देने की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अक्षय कुमार की एक पिक्चर भी शेयर की। नंबर 9, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक से सुशांत के खाते की डिटेल्स सामने आई है, जिसके अनुसार 5 बार पूजा पाठ के लिए करीब 3 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है। पंडित को भी पैसा ट्रांसफर किया गया है और सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने इस पैसे का इस्तेमाल सुशांत पर जादू टोना करने के लिए किया है। एंड नंबर 10, आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकी थी और इस बारे में हाल ही में जब उनसे सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने अपना ये जवाब दिया, मैं सुशांत के अंतिम संस्कार में नहीं गई क्योंकि मैं सुशांत को उस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। हाँ, मैं फिर उनके परिवार से मिलने गई ये देखने कि वो ठीक है या नहीं। जो होना था वो चला गया, लेकिन डैडी थे, ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं देखूँ, कि मैं उन्हें देखूँ कि वो ठीक है या नहीं। तो ये था आज की खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ यूं ही और हम आप तक पहुँचाते रहेंगे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी खबरें। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।